लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। एक बात याद रखना, दिल उसका भी दुखता है, दर्द उसे भी होता है, बस तुम्हें बुरा ना लगे, इसीलिए बंद कमरे में चुपचाप रोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। घन का आयतन क्या होता है? भुजा। क्यों? घन का विकर्ण। थ्री गुने भुजा। घन का पास पृष्ठ क्षेत्रफल। चार गुने भुजा स्क्वायर। वेलकम टू भैया सोनू सूद, तमाम माताओं और भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज। मैं अभी पटना से तकरीबन 20 किलो 22 किलोमीटर की दूरी पे मसौढ़ी में हूँ, और मसौढ़ी के पास एक गांव है। गांव का क्या नाम है? चपौर। चपौर गांव है। आपको बता दें कि इस गांव में एक ऐसा बच्चा है, शिक्षा जो है ना, शिक्षा कुछ शहरी क्षेत्र के लिए ही नहीं, वो मतलब फिक्स्ड है कि वहीं शहर का ही बच्चा बहुत तेज हो सकता है। आपको ये एक उदाहरण देने जाने के, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का एक बच्चा जो मात्र 3 साल 8 साल का है और तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, और वो तीसरी कक्षा के बच्चे को लोग बॉबी सर कहते हैं। बॉबी राज नाम हुआ ना, बॉबी राज सर बोलते हैं। और बॉबी राज सर बोलने का क्या वजह है, वो सारे हकीकत मैं आपको इस बच्चे को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अभी वायरल हो रहा है। और छोटा सा बच्चा है, और छोटा सा बच्चा होने के बावजूद ये 10वीं क्लास के बच्चे का मैथ जो है ना, मैथ पे इसे पकड़ है। कोई भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी आप आगे इसके इक्वेशन पूछते हैं, कोई भी फॉर्मूला पूछते हैं तो बताएगा। बताओ पहले कि a प्लस b का हॉल क्यों क्या होता है? हॉल के a क्यू प्लस b क्यू प्लस c। बोर्ड पे लिख के बताओ। आप देख रहे हैं a प्लस b का हॉल क्यों मैंने पूछा, ये बता रहा है, लिख रहा है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये सही लिखा है। और ये जो फॉर्मूला है, ये 10वीं क्लास में ये बच्चे को पढ़ाया जाता है, और ये बच्चा मात्र 8 तीसरी क्लास में पढ़ रहा है और 8 साल का बच्चा है। अब इनके पिताजी से बात करना चाहेंगे, पिताजी इनसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आप थोड़ा करिए, आप इनसे पूछिए कि आप इसे मैथ पर इतनी पकड़ कैसे है इसकी? ये जब हम पढ़ाते हैं ना, तो मतलब कि पीछे में आकर बैठ जाता है। ये अपना तीसरा वाला तो पढ़वे करता है, तो कहता उसमें हमको पढ़ने मन नहीं लगता है। अच्छा। तो ऊंचा वाला बड़का बड़का क्वेश्चन हमको पढ़ने मन लगता है। यानी अपनी अपने उम्र के बच्चे का सवाल सब खत्म कर चुका है? हाँ, खत्म कर चुका है, लेकिन उम्र है, कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन भूल जाएगा। अच्छा। लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन मतलब कि इसको ज्यादा पकड़। अपने स्तर से इसे पूछिए कि कुछ सवाल पूछिए इसे। चलो बताओ, घन का आयतन क्या होता है? भुजा। क्यों? घन का विकर्ण। थ्री गुने भुजा। घन का पास पृष्ठ क्षेत्रफल। चार गुने भुजा स्क्वायर। अच्छा, एक क्वेश्चन है, दो लगातार प्राय संख्याओं का योग 21 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कर दोगे? निकाल दो बोर्ड का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए, ये पिताजी इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पिताजी इनके पिताजी के साथ साथ शिक्षक भी हैं, और इनको पिताजी ही गाइड करके इसको बच्चे को इतना टैलेंटेड बनाए हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे रहा है। देखिए, दो लगातार प्राय संख्याओं का योग 21 है। अच्छा, अगर एक मिनट, अगर बच्चे को पढ़ाना हो तो बच्चे को पढ़ाने के स्टाइल में कैसे समझाओगे? वही बता रहा हूं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 21 है, तो दोनों संख्या याद करें। कहता है, दो को लगातार है जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या यानी कि एक है, तो दूसरा क्या होगा? दो। तीसरा क्या होगा? तीन। ऐसा ही बढ़ते रहेगा। तो हमको पहला प्राकृत संख्या माना कि पहला प्राकृत संख्या बराबर x, दूसरा प्राकृत संख्या बराबर एगो हो गया x, तो दूसरा प्राकृत संख्या होगा x प्लस 1। और क्या कहता है प्रश्न से? आगे कहता है का योग जो है 21 है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, x plus 1 = 21। अब x और x को गुणा करेंगे तो 2x + 1 = 21। अब x को इधर भेज देंगे तो 2x = 21 - 1, 2x = 20। 2 से कटिए 20, 10 बार में x = 10, यानी कि पहला प्राकृत संख्या बराबर 10। संख्या बराबर क्या है माने तो x, x का मान कितना निकला है तो 10। तो 10 फिर लिखेंगे दूसरा प्राकृत संख्या बराबर x plus 1, x का मान 10, तो 10 plus 1 यानी कि
10 और 11 इसको चेक कर लेंगे। कहता दो लगातार संख्याओं का योग 21 है, ये तो प्रकाश संख्या है, प्राकृत संख्या का योग तीनों का जोड़ेंगे तो 10 प्लस 11 क्या होगा 21, यानी कि मेरा जो बनाया वो सही है। सही है सर। सर आप आइए ना, ये सवाल का जवाब दे दिया इनके पिताजी जो शिक्षक हैं, यहाँ पर कोचिंग भी चलाते हैं, उन्होंने सवाल पूछा। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल किस स्टैंडर्ड का है? ये सेवन स्तर का। अच्छा, इसी यही क्वेश्चन को दो लगातार प्राकृत संख्या की योग दिए तो 21 है, अगर गुणनफल कर देंगे तो 10 भाग जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसको भी बनाने की क्षमता, वो किस क्लास का हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। 10 का, वो भी सॉल्व कर दो, लेकिन जल्दी करना है। अंक चेंज करना पड़ेगा। अब ये सवाल को सॉल्व किया वो सेवन्थ क्लास का था, अब जो सॉल्व करने जा रहा है वो 10th क्लास का सॉल्व करने जा रहा है। ये वाकई में इस बच्चे के लिए हैरत की बात है कि आठवें क्लास का बच्चा, तीसरी क्लास का बच्चा 8 साल का हो और 10वीं का सॉल्व करे, तो इस बच्चे का शिक्षा स्तर जो है ना कहीं और अच्छे स्कूल में होने चाहिए और अच्छे ढंग से होने चाहिए कि बच्चे कुछ और आगे जाकर कुछ कर सके। संख्याओं का गुणनफल तब लिखो तुम 57 गुणनफल हो जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा 56, अंक चेंज कर देगा। गुणनफल 56 है, 56 का। अब ये जो सॉल्व करने जा रहा है वो 10वीं क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है, मात्र 8 साल का बच्चा तीसरी वर्ग में, तीसरा क्लास में ये बच्चा पढ़ता है और 10वीं क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा है। माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर संख्या बराबर x प्लस आपका 10 का गुणनफल, यानी किसको गुणा करना है हमको, x इनटू x प्लस 1 बराबर 56, x स्क्वायर x प्लस 1 तो क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 56, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 इक्वल टू 0। अब हम इसको 56 के गुणनखंड में पुराना है कितना x, 56 के गुणन करेंगे 228, 214 और 207, 2 दुनी 4, 4 दुनी 6 और 7, यानी कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x यहाँ पे 2 दुनी 4 और 4 दुनी 8, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 6 बोल दिया तो 8, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0, x कॉमन लिए तो x प्लस 8 माइनस 7 कॉमन लिए तो x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इंटू x प्लस 8 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, यदि x बराबर 0 प्लस 7 x बराबर 7, यदि x माइनस 7 बराबर 0। सर आप देखिए, ये फिर पहली प्राकृत संख्या बराबर, पहली प्राकृत संख्या बराबर x, x आप कितना निकला 7, दूसरी प्राकृत संख्या बराबर x प्लस 1 तो 7 प्लस 1 तो 8 हो गया, सॉल्व। हाँ ठीक, सॉल्व हो गया। तो ये दिखा दो, जांच टेस्ट कर लो। हाँ टेस्ट कर लो कि सही निकला है। अब ये देखिए, ये सही हो गया। अब तो मेरा बनाया सही है, सही है। 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56, यानी कि मेरा बनाया सही है। 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका इक्वेशन सही है, सही जवाब दिया है। ये 10वें क्लास का जवाब दिया है, 10वें क्लास। अब ये बताओ कि तुम कविता उविता में शौक रखते हो? पिता के बारे में माता के बारे में कुछ बोल दो। नहीं याद कर रहा हूं। पिता के बारे में बता दो। हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं, हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं, उस इंसान से कोई गलती हो गई तो जोर से डांट लगाते हैं, भूल जाते हैं कि उसने मान लिया क्या क्या किया है, किसी से ठीक से बात ना कर पाए तो शर्म आती है। एक बात याद रखना,
दिल उसका भी दुखता है, दर्द उसे भी होता है, बस तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए बंद कमरे में चुपचाप रोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, तुम इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ही क्यों बनना चाहते हो? मैथ अच्छा इसलिए नहीं? अच्छा, इतना जो तुम टेंथ क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इसके लिए क्या कैसे तैयारी करते हो? क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे उम्र के बच्चे इस तरह के कॉमन बच्चे नहीं, मतलब इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, क्या करते हो इसके लिए तुम? मम्मी और पापा पढ़ाती हैं। मम्मी पापा पढ़ाते हैं तुमको? लेकिन मम्मी पापा पढ़ाने के बावजूद भी कोई दसवां का सॉल्व कर ले, कोई एक्स्ट्रा कुछ तो करते हो, कुछ फार्मूला होगा तुम्हारे पास? क्या फार्मूला है बताओ? संधि क्या होता है? संधि दो वर्णों का मेल जो विकास उत्पन्न होता है, संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं? समास नहीं पढ़ाया गया है। समास अभी नहीं पढ़ाया गया है। हिंदी का कुछ क्वेश्चन पूछ दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? सब दो वर्णों के मेल से जो सार्थक, दो वर्णों का सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण ध्वनि के शब्द छोटे काय को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। दूसरा नंबर ये है कि जो बच्चे, जो तुम्हारी उम्र के बच्चे हैं, उस बच्चे को क्या संदेश दोगे? जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, पढ़ते नहीं है ठीक से, यही कहेंगे कि सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो लोग पढ़े, और एक उन पर एक डायलॉग चाहता हूँ कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होता, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा ये बताओ, सोनू सूद से जिस दिन मिले थे तो सोनू सूद तुमको क्या आश्वासन दिए हैं, कैसा लगा मिलकर उनसे? बहुत अच्छा। क्या वो कुछ बोले तुम्हें? किस लिए मिलने गए थे तुम उनसे? वैज्ञानिक हमको बनना था, और वैज्ञानिक बनने के लिए इतना पैसा नहीं हो पाता, इसीलिए। इसीलिए। और वहाँ पर तुम्हें स्टेज पे क्या बोला था सोनू सूद के सामने, बोल ली क्या बोला था? वेलकम टू भैया सोनू सूद, तमाम माताओं और भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। ये तो भैया सोनू सूद और भैया मनीष कश्यप के द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चे को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं, बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ ही रख दिया है। तो ये है क्या नाम है तुम्हारा? बॉबी राज। अच्छा, इसके बॉबी राज का एक चैनल भी है, वायरल बॉबी राज ना, वायरल बॉबी राज। इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो सवाल को आप उसमें डालिएगा, इनबॉक्स में डालिएगा, उस क्वेश्चन का सवाल बॉबी राज खुद देगा और आपसे कॉन्टैक्ट भी करेगा, आपके सवालों का जवाब देगा। इसलिए इस बच्चे के चैनल को आप लोग प्रमोट कीजिए, इससे आर्थिक सुविधा भी मिलेगी और आर्थिक सहायता भी मिलेगी। मैं संजय कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ, मसौढ़ी, पटना। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।